कमिश्नरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश के बाद प्राप्त हो चुकी है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी सतीश बालन को कमिश्नर का पद सौंपा गया, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए साफ कर दिया कि यहाँ पर विभिन्न तरह के जो क्रिमिनल गैंग हैं उन पर खास तौर से नजर रहेगी और बदमाशों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था पर भी खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर भी ड्यूटीज निर्धारित करते हुए चौकसी बढ़ा दी जाएगी। जी, सो यहाँ के अहमियत समझते ही मतलब ये जो पुलिस कमिश्नरेट सरकार ने बनाए हैं और मैं कल इसका कार्यभार संभाला हूँ और जैसे पहले भी मैं यहाँ पे एसपी के तौर पे काम किया हूँ। सो सबसे पहले तो जो सरकार का जो एम्फसिस है वुमेन सेफ्टी पे है, उसका उस पर पूरे ध्यान दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि शहर की और जो एनएच के जो ट्रैफिक है वो सुधारा जाएगा, उस पर जो भी कमियां हैं उस पर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके जितने भी उस पर सुधार ला सकते हैं वो लाया जाएगा। और ये सोनीपत में ये भी है कि दिल्ली एनसीआर के साथ लगा हुआ है और मैं एसटीएफ का भी कार्यभार संभाल रहा था अभी तक, उस पर भी ये देखने में आया कि काफ़ी जो आसपास की स्टेट्स में भी जो क्राइम कमिट कर रहे हैं उनमें से काफ़ी क्रिमिनल्स जो है वो सोनीपत से निकले हुए हैं और यहाँ पे भी गैंग्स काफ़ी बने हुए हैं, तो उन पे शक्ति की जाएगी, उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको उन क्रिमिनल एलिमेंट्स को काबू किया जाएगा, कंट्रोल में लाया जाएगा। सो ये टू स्टार्ट विथ ये है और उसके ये जनता के परसेप्शन से ये सारा काम करना पड़ेगा एस कमिश्नर ऑफ पुलिस मुझे। और इसके अलावा सो नया कमिश्नरेट है, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और सिस्टम्स बिल्ड करना है, इंस्टीट्यूशंस खड़ा करना, वो भी मेरी जिम्मेवारी होगी, वो भी बड़े सामने चैलेंज है, चुनौती है, उसको भी पूरी तरह से निभाया जाएगा।